यस मैम। सही है. ओके, टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन. ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन की हम डेरिवेशन देखेंगे. काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है और इसकी डेरिवेशन क्या है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और इसका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है, ये तमाम चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. कि आज का जो हम कंटेंट्स के जो इस लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड सेकेंड इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर. ये दो कंटेंट हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द काइनेटिक गैस थ्योरी. व्हाट इज द काइनेटिक गैस थ्योरी? ऑलरेडी हम लोग काइनेटिक गैस थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं. दैट इट इज प्रेजेंटेड बाय द मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एंड अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी उसने डिफरेंट पास्टूलेट बताए थे अकॉर्डिंग टू द गैस जो हमारे पास मालिक्यूल्स हैं उनके हवाले से. तो हम जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं. द फंडामेंटल पास्टूलेट ऑफ द काइनेटिक गैस थ्योरी आर दैट ईच गैस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, वी कॉल इट द मालिक्यूल एंड दीज मालिक्यूल मूव वेरी रैपिडली एंड रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड व्हेन दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन द मालिक्यूल ऑफ द गैस कोलाइड्स विद ईच अदर एंड ड्यू टू दिस कोलिजन देयर डायरेक्शन इज चेंज. यू कैन सी फ्रॉम हेयर, यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर ये जो पिंक कलर के आपको बॉल नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे कैन मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन विद अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर स्पीड. और ये जो मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इनके दरमियान आपस में कुलियन भी होती है. वन ऑफ द पास्टुलेट ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस थ्योरी इज दैट देयर कुलियन इज परफेक्टली अलास्टिक. वॉट इज द मीनिंग ऑफ अलास्टिक कुलियन? दैट देयर इज नो नेट लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. सो द ओवरऑल ऑफ एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल इज द कॉन्स्टेंट बट एज अ रिजल्ट ऑफ कुलियन देयर स्पीड इज चेंज एज वेल एज देयर डायरेक्शन इज चेंज. ठीक है, इसके बाद कुछ काइनेटिक गैस के और भी पॉस्टुलेट है. दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मालिक्यूल एंड देयर इज नो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मालिक्यूल एज वेल एज देयर इज अ पॉस्टुलेट दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर. सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल आर ऑल्सो इंक्रीजेज. सो दीज आर द फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ द काइनेटिक गैस थ्योरी जिससे हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं. ठीक है, अच्छा जी, ये जो काइनेटिक गैस मालिक्यूल थ्योरी के पास्टुलेट थे ये हमें प्रेजेंट किए थे किसने, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन की तरफ से थे. इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्लाजियस था और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सप्रेशन को डिड्यूस किया था दैट गिव अस द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस. और वो जो एक्सप्रेशन था उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन क्या है और काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी. बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ यू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, देन यू आर यूजिंग दिस डेरिवेशन. ठीक है, इसको सिंपली हम ये भी कह सकते हैं दैट ड्राइव द काइनेटिक गैस इक्वेशन इज इट. बट देयर इज एन अदर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ यू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस. तो ये हमारे पास थी काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड इट इज डिड्यूस बाय द आरजे क्लाजियस ने इसको किया था और हम इसको देखते हैं कि ये क्या है. ठीक है, सो आपको पता है कि अगर हम एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को फिट कर दें, दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर, जैसे हमने पिछली डायग्राम के अंदर भी देखा था. ठीक है, अब यहाँ पे जो आरजे क्लॉजियस ने उन्होंने क्या किया था, दे हैव कंसिडर्ड अ क्यूबिकल कंटेनर एज यू कैन सी इन द स्क्रीन हुज लेंथ इज एल.
क्यूब है तो उसकी तमाम लेंथ इक्वल है एंड इट इज़ फिल्ड विद अ गैस मॉलिक्यूल जिनका मैस स्मॉल एम है एंड कैपिटल एन लेट बी द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन द कंटेनर। और वो इसके जो यहाँ पे गैस है, कोई भी गैस कंसिडर कर लें जिसका मैस एम है और वो इस कंटेनर के अंदर फील्ड है। अब गैस के मॉलिक्यूल हैं सो दे कैन मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन सो दे आर हैविंग द वेलोसिटी वी। ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ गैस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नाउ दिस गैस मॉलिक्यूल एग्जर्ट प्रेशर ऑन द गैस मॉलिक्यूल एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये एक जो काइनेटिक गैस थ्योरी की जो एक पास्टुलेट भी है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं दे हैव एग्जर्टेड प्रेशर ऑन द मॉलिक्यूल ड्यू टू क्लियन एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड दिस प्रेशर कैलकुलेशन इज डन बाय द आरजे कोलाइजर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो इसको हम मजीद फर्दर देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट दैट प्रेशर। ओके जी, ओके। अब हमारे पास अगर आप इस क्यूब को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसकी डिफरेंट फेजेस है। फेजेस का मतलब है साइड्स है। आप कंसीडर कर लो कि ये ए फेज है, ठीक है, इसकी ए साइड है, इसको हम यू लिख लेते हैं, और ये क्यूब की बी साइड है। और इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जिनके मैस एम है, वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, जिसकी वेलोसिटी वी है, उसके साथ इस कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेट कंसीडर गैस मॉलिक्यूल मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन टुवर्ड फेस ए, ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल हिट द वॉल विद द वेलोसिटी वी एक्स एंड रिबाउंड्स बैक विद द सेम वेलोसिटी वी एक्स, सो विल एक्सपीरियंस अ चेंज इन द मोमेंटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन? आप ये कंसिडर करें कि इसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, आप ये को देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल है, इसके वेलोसिटी वी है और ये फेज ए को जाके हिट करता है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है, प्लस वी। क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं, हिट करते हैं, तो वो वापस रीबाउंस होते हैं, उनका वापस एक डायरेक्शन में वापस भी उसी वेलोसिटी के साथ आएंगे। क्या होगा, सिर्फ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो वी स्पीड के साथ हिट करता है फेज ए पे, और दोबारा से उसने क्या करना है, उसने उसी स्पीड के साथ रीबाउंस कर देना है। बट इस बार क्या हुआ है कि जो स्पीड की डायरेक्शन है वो सिर्फ रिवर्स्ड हो गई है। ठीक है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो जोन सी है वो रिवर्स है, ऑल्दो उसी स्पीड ने क्या किया है, रिबाउंस किया है। ओके, अब आपको पता है कि हमारे पास एक टर्म होती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मैस इनटू द वेलोसिटी। जब एक मॉलिक्यूल गैस कंटेनर की वॉल के साथ हिट करता है, ठीक है, और रिबाउंस होता है, तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम को ऑब्जर्व किया जाता है। अब हमारे पास चेंज मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी, मैस इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम होता है मैस इनटू द वेलोसिटी। सो द चेंज इन मोमेंटम जो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या आया है, माइनस टू एम वी। अब यहाँ पे माइनस टू एम वी का क्या मतलब है, देखें, बिफोर स्ट्राइक हमारे पास जो मोमेंटम था वो क्या था, एम वी, ठीक है, और जो आफ्टर स्ट्राइक था, यानी कि जो मोमेंटम ने ए फेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद जो उसका मोमेंटम था, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है माइनस एम वी। ठीक है, सो अगर हम टोटल चेंज इन मोमेंटम को देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम वी प्लस एम वी। सो ओवरऑल साइन माइनस का रहेगा, वो एड अप हो जाएंगे, सो दैट इज द टू एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या निकला है, माइनस टू एम वी। यहाँ पे हमने एक्स एक्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन, मॉलिक्यूल की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वेलोसिटी के साथ एक्स लिख दिया। सो व्हेन द मॉलिक्यूल हिट विद द वॉल ऑफ विद द वॉल एट ए फेज विद वेलोसिटी वी एक्स एंड इट्स रिबाउंड बैक विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, सो द चेंज इन मोमेंटम जो आपके पास आएगा दैट इज द माइनस टू एम वी एक्स।
Now you have let consider that total number of the gas molecule in the container is the capital N. So the change in momentum, how you write the change in momentum? You just add minus 2 capital N Vx. ठीक है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारे पास n, सिर्फ n. व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल n? इट इज द टोटल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन द कंटेनर. सिंपली हम लोगों ने टोटल नंबर के लिए चेंज इन मोमेंटम लिख लिया. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी नो अबाउट द फोर्स. व्हाट इज द फोर्स? दैट इज द प्रेशर अंडर टेकन टाइम. चेंज इन नॉट इज द प्रेशर, इट इज द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. It is the force. How we force define the force? Force is equal to the change in momentum with respect to the time. And what is the change in momentum? We already know the change in momentum is equal to, for the n number of gas molecule, it is the minus 2 n m v x. Put the value of change in momentum in the force equation. So you got this one relation. सिंपली हमने यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम की वैल्यू पुट किया. फोर्स हमारे पास इक्वल है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और चेंज इन मोमेंटम कहाँ से हमने कैलकुलेट किया है? व्हेन द एटम रीबाउंस अगेन आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल, तो वो हमारे पास आ गई थी माइनस टू एम वी. एम क्या है? मैस. वी क्या है? वेलोसिटी. दैट इज द मैस इनटू वेलोसिटी इक्वल टू द मोमेंटम. फॉर द एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यू जस्ट पुट माइनस टू capital N M V. Okay, now in this formula you can see here F is equal to change in momentum with respect to the time. Momentum ki value humne find out kar li hai. Now the next thing is the time. What is the value of the time and what is the dead time? Small t. Small t kya hai? Small t basically is the time when the gas molecule will hit the wall and it will travel back across the wall and collide with the opposite phase and hit again the A phase at time t, which is given by the equation. Iska kya matlab hai? Hum kis time ki baat kar rahe hain? Dekhen, aapne ye agar hum yahan pe screen pe aapko ye block nazar aa raha hai jo hamare paas cube hai, ye iska A phase hai aur ye B phase hai. Wo time jo A gas molecule ne A ko strike kiya, वहां से रीबाउंस करने के बाद वो किसके पास गया? बी फेस के पास आया. और दोबारा यहाँ से टकराने के बाद ए फेस की तरफ जो गया, इस तमाम ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है, दैट इज टेकन एज द स्मॉल टी. ठीक है, कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं? व्हेन अ मॉलिक्यूल हिट विद द फेज ए, स्ट्राइक विद द फेज ए, इट रीबाउंस गोज टू द अपोजिट फेज. ए का अपोजिट फेज क्या है? बी फेज. सो इसका मतलब है कि ए के साथ स्ट्राइक करने के बाद मॉलिक्यूल रीबाउंस होके बी फेज की तरफ जाएगा और डेफिनेटली वहां पे भी इसकी स्ट्राइक होगी. वहां से दोबारा वो रीबाउंस करके जब ए फेज के पास आएगा, ये जो टाइम है इसको उसने क्या कह दिया है? इट इज द स्मॉल टी. एंड इट हाउ यू कैलकुलेट दैट? दैट इज द 2lv. अच्छा, अब ये 2lvx क्या है? v तो डेफिनेटली हमारे पास स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है. व्हाट इज द 2l? ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं और जो क्यूब की लेंथ है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास l है. तो मॉलिक्यूल ने कितनी दफा जो l लेंथ है ट्रेवल किया? टू टाइम. पहले वो a टू b की तरफ गया, इट इज l, देन अगेन रिबाउंस फ्रॉम b टू o, सो इट विल बी द 2l. So what, how will you calculate the total time? It is the 2L divided by Vx. 2L क्या है? ये basically length of the cubes है. पहले हम लोग define कर रहे हैं time को. हम किस time की बात कर रहे हैं? वो time जो एक gas molecule ने A wall के साथ hit किया, उसके बाद वो गया opposite side पे, दूसरी wall पे, that is the B wall. And again B wall से A की तरफ आने में उसको जितना time required था, that is the small t. And it is equal to the 2L divided by Vx. तो यहाँ पे जो हमारे पास 2L है, it is the length of the cube, क्योंकि उसने 2 time travel किया है total length को, it is the 2L divided by Vx. Now you have put this one formula, this the value of t, small t, into the f, that is equal to minus 2 mn vx.
तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो टी की वैल्यू है, इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह बन जाएगा. सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इन द फोर्स अट्रैक्शन, वी गॉट दैट एफ इज इक्वल टू माइनस टू एन एम वी एक्स ओवर टू एल वी एक्स. ठीक है, ये हमारे पास बन गया. अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन के साथ क्या होगा, ये जो हमारे पास वी एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ. ओके, सो वी एक्स स्क्वेयर हो गया और जो टू है ये टू टू के साथ कैंसिल हो गया. तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इट इज द माइनस एम वी माइनस एन एम वी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल. ठीक है, सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल. नाउ देयर इज द सेम फोर्स दैट इज एक्टेड ऑन द वॉल. वो फोर्स किसके इक्वल होगी? डेफिनेटली वहां पे जो हम फोर्स इक्वल करेंगे वो किसके इक्वल होगी? एन एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल. देयर इज नो नेगेटिव साइन. व्हाई द नो नेगेटिव साइन? देखें, जब मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट हो रही है, एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी उसके ऊपर एक्ट करता है. सो दैट्स व्हाई द टोटल फोर्स विल बी इन नेगेटिव फॉर्म. बट अगर हम सिर्फ वॉल की बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही है वो सिर्फ वॉल पे हो रही है, वॉल कोई फोर्स नहीं लगा रही, मॉलिक्यूल जाके सिर्फ एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स वॉल पे. दैट्स व्हाई द फोर्स ऑन द वॉल इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर एल वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल. और जो मॉलिक्यूल की फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस एन एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल. ठीक है, तो नाउ वी कैलकुलेट द प्रेशर. हमारे पास यहाँ पे प्रेशर है, कोई बच्चा ऐड हो रहा था, एनी हो चले. ओके ओके, नेक्स्ट हमारा जो टास्क है, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर. प्रेशर प्रेशर क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑन द वॉल अंडर एरिया. ठीक है, फोर्स ओवर एरिया, उसको ही हम प्रेशर कहते हैं, जनरली फिजिक्स में डिफाइन करते हैं. अब हमारे पास फोर्स ऑन द वॉल भी हमें पता है और जो हमारे पास एरिया है वो क्या है उसका भी हमें पता है. एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू विथ को एरिया कहते हैं. सो एक लेंथ हमारे पास एल है तो जो विथ है, लेंथ और विथ सेम है, सो द एल स्क्वायर. यहाँ पे हमने फोर्स ऑन द वॉल कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, डेट इज एम एन वी एक्स स्क्वायर ओवर एल. और एरिया हमें पता है कि क्या होता है, लेंथ इनटू विथ. सो सिंपली पुट, आपने प्रेशर के फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट किया फोर्स की, एन एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करें तो एल है, एल स्क्वायर है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम द एल क्यूब. ठीक है, एल क्यूब बन गया. सिंपल सी इक्वेशन है, हमने क्या किया है, फोर्स है, फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया, फोर्स ऑन द वॉल इंटू एरिया. Force on the wall exerted by the molecule, it is already calculated that n m v x square over l. और area हमारे पास क्या होता है, length into width. तो हम cube की बात कर रहे हैं, cube की चारों लेंथें equal हैं, so area कितना हुआ, l square. अब हमने इसको simplify करके l cube बना लिया. l cube क्या होता है, basically l cube, अगर हमारे पास तीन different तरह की length, width और height को अगर हम आपस में multiply करते हैं, that will equal to the volume. ठीक है, अगर हमने area की बात करनी है, area को क्या हम करते हैं, length into width, लेकिन अगर हम volume की बात करते हैं, volume किसके equal होता है, volume equal होता है किसके, तीन डिफरेंट लेंथ इनटू विथ. लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको विथ के साथ कर दें और हाइट के साथ कर दें. अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं क्यूब की, क्यूब के अंदर तीनों जो लेंथ्स हैं वो इक्वल हैं, सो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है एल क्यूब के. तो सिंपली इस इक्वेशन में एल क्यूब की जगह किसको पुट कर दिया है, वॉल्यूम को. ठीक है, वॉल्यूम को. ओके, अब जब यहाँ पे हमने वॉल्यूम को पुट किया है तो क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन बनेगी p
इज इक्वल टू एन, एन फॉर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एम इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, वी एक्स स्क्वायर इज द वेलोसिटी, ठीक है, इसको वॉल्यूम नहीं कहना है, इसको वेलोसिटी ही कहना है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, वॉल्यूम से। ये वॉल्यूम कहाँ से आया, इट इज द एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर हमारे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम है। अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, जो वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस साइड जाके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन गई, पी वी इज इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर, से दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। इस इक्वेशन में P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, स्मॉल m जो उनसे मास है, और V x स्क्वायर हमारे पास वेलोसिटी है। ओके, अब जी आपको पता है कि हमने अगर गैस के मॉलिक्यूल की बात की है और वो एक कंटेनर के अंदर क्लोज्ड है और उनकी वेलोसिटी V है, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे थे कि x डायरेक्शन में V x है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस में भी मूव करेंगे, वो वाई एक्सिस में भी मूव करेंगे, और वो जी एक्सिस में भी मूव करेंगे। यहाँ पे अब हम पर्टिकुलरली बात हमने की थी एक्स एक्सिस की, सो यहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो तीनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की स्पीड है वो क्या है, वो इक्वल है, यानी कि वी एक्स स्क्वायर इक्वल है वी वाई स्क्वायर, एंड वी वाई स्क्वायर इक्वल है वी जी स्क्वायर। पहले जब हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी वहां हमने ये सपोज किया था कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल की डायरेक्शन है वो पर्टिकुलरली एक्स एक्स एक्सिस में है, एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, वाई में भी मूव करेंगे और जी एक्सिस में भी मूव करेंगे, बट सिंस वी एक्स वी वाई एंड वी जेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द थ्री सेट, सो वी कैन सेट दैट ऑल द थ्री वेलोसिटीज विल बी द इक्वल टू ईच अदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उन तीनों वेलोसिटीज को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद अगर ये तीनों वेलोसिटीज इक्वल हैं, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग वी एक्स स्क्वायर, यू कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू द थ्री वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं भाई वी एक्स वी वाई और वी जी इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो वी स्क्वायर इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आई थी दैट पी वी इज इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये जो वी एक्स स्क्वायर है इसकी जगह हम लोगों ने वैल्यू सब्सिट्यूट की है वेलोसिटी की, जब इसकी हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे वेलोसिटी की तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन हमारे पास है थ्री वी एक्स स्क्वायर वी थ्री एक्स स्क्वायर वी, ओवरऑल हम इसको वी स्क्वायर के इक्वल भी कर सकते हैं, अगर इसको हम जनरल टर्म में लिखें तीनों वेलोसिटीज को सिर्फ एक जनरल टर्म में, तो मैं इसको वी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया है थ्री वी एक्स स्क्वायर के। इस चीज को यहाँ पे हम यू कंसिडर करते हैं कि देखें गैस की वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में है, एक्स वाई और जी में, अगर मैं ओवरऑल सिर्फ वेलोसिटी की बात करूं तो मैं इसको वी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे मैं इसको क्या कह रही हूँ कि वो क्या है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस में है तो वी एक्स है, वाई में है तो वी वाई है, और जी है तो वी जी है। यहाँ पे दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि आइदर वो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, या जी एक्सिस में है, इन तीनों एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो हमारे पास इक्वल है पर्टिकुलर गैस के लिए जो इस वक्त कंटेनर के अंदर मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि जो वी स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, यानी कि जनरल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी है थ्री वी एक्स स्क्वायर के, जब इस वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन वन में पुट किया देन वी गॉट वी इज इक्वल टू थ्री एम वी स्क्वायर ओवर थ्री। ये कैसे इक्वेशन आई, देखें हम कह रहे हैं कि जो जनरल वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी या जनरल वेलोसिटी कहना ज्यादा कन्वीनियंट है, इट विल इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर,
3x स्क्वायर का क्या मतलब है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वी एक्स वी वाई प्लस वी जी, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन वन है, देखें इसके अंदर हमारे पास वी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमारे पास एक इक्वेशन आई है ये। अगर मैं इसके अंदर से वी एक्स की वैल्यू को अलग करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बेसिकली ये टर्म बनेगी। इस टर्म को हमने इक्वेशन वन के अंदर पुट किया है, आप देख सकते हैं इक्वेशन वन के अंदर मेरे पास पी वी इज इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वेयर है। हमने बेसिकली वी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। वी एक्स स्क्वेयर क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन, और हम यहाँ ये सपोज कर रहे हैं कि वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन भी जो वेलोसिटी है वो इक्वल है, तो ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि 3 vx² एंड इट विल इक्वल टू द जनरल वेलोसिटी वी स्क्वेयर। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, यहाँ से हम अगर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वन तो हमारे पास क्या आ गया, पी वी इज इक्वल है एन एम वी स्क्वेयर 3, या इसको कुछ लोग यूं भी लिख लेते हैं कि पी वी इज इक्वल है 1/3 एम एन वी स्क्वेयर। ठीक है, ओके, 1/3 को अलग लिख लें और सिंपली एम एन वी स्क्वेयर, ये वी है सही नहीं लिखा जा रहा, वी स्क्वेयर। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द काइनेटिक गैस इक्वेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस टू। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सो डोंट बी कंफ्यूज योर सेल्फ, यू जस्ट ड्राइव दिस वन इक्वेशन, दैट इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन। Therefore, PV is equal to 1/3 mn v square. This equation above is जी जी मैम वो दोबारा बताइएगा, वो आपने 3 पे डिवाइड क्यों किया है जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था उसे जनरल फॉर्म के साथ? मैम पिछली स्लाइड मैम ये आपने वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यों की है? देखें यहाँ पे अगर हम लोगों ने जनरल तीनों वेलोसिटीज को मिला के लिखना है, इट विल इक्वल टू द जनरल वेलोसिटी, देखो वी स्क्वायर है ना। यस मैम, ठीक है, अगर मैं वो थ्री वी, यस मैं बताती हूँ, ये वी स्क्वायर है ना, अगर मैंने इसको तीनों डायरेक्शन के लिए लिखना है, मैं इसको लिख सकती हूँ वी एक्स प्लस वी वाई और इसको मैं लिख सकती हूँ वी जी, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वेयर भी आएगा डेफिनेटली, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर तो वो कॉमन ही रहेगा, ऐसे हम लिख सकते हैं कि जनरल वेलोसिटी तीनों वेलोसिटी को ऐड करके निकली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात ये कर दी है कि जो एक्स है वी एक्स इक्वल है वी वाई के और वी जी के, ठीक हो गया, तो क्या होगा 1, 2, 3। अब अगर इन तीनों की वैल्यू को हम लोगों ने इक्वल कर दिया है तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि ये 3 vx² है और ये किसके इक्वल है, ये जनरल वेलोसिटी के इक्वल है, इस वजह से इसको 3 लिखा है। मैम जो ये तो समझ आ गया, जो आपने नेक्स्ट उससे डिवाइड कर दिया है 3 पे। हाँ चलो उसको भी बताती हूँ, देखो आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हो, पी वी इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वेयर, हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, वी एक्स स्क्वेयर की, हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करनी है, वी एक्स स्क्वेयर, तो मेरे पास इक्वेशन निकली है ये, दैट इज द वी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू द वी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे ये देखें, यही इक्वेशन निकली है ना, और ये कैसे निकली है, ये हमें ऐसे निकली है कि जो टोटल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जी डायरेक्शन, क्योंकि तीनों डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वी एक्स इक्वल है वी वाई और वी वाई इज इक्वल है वी जी, तो इसलिए इनको हम लोगों ने कंबाइन करके 3 vx² लिख दिया, तो मेरे पास आ गया ये इक्वेशन। मैंने इक्वेशन वन जो मेरे पास है वो डेट इक्वल टू द पी वी इज इक्वल टू एम नहीं सॉरी एन एम वी एक्स स्क्वायर कुछ यूं है,
ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है वी एक्स स्क्वायर की। इक्वेशन मेरे पास है ये, अगर मैं इस इक्वेशन में से वी एक्स को सेपरेट करूँ तो डेफिनेटली 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये फैक्टर बचेगा, इस फैक्टर को इस इक्वेशन के अंदर पुट किया है तो हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन आई है। यस ठीक मैम, आ है, गई है समझ। ओके, वेरी गुड। ओके, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द काइनेटिक गैस इक्वेशन, और इसके अंदर जो वेलोसिटी है इक्वेशन में, इट इज टेकन नोन एज द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। दैट इज द रीजन कि जब भी हम लोग डिफरेंट वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है तो हम रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी को प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको हम रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी के तरह डिनोट करेंगे। एंड हाउ वी कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, आपको ये फॉर्मूला पता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन का पहले मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वेयर प्लस दूसरे का, तीसरे का, अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यू कैन गॉट द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी को हम लोग मैक्सवेल के फॉर्मूला से भी ड्राइव कर सकते हैं। एंड हाउ वी कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी फ्रॉम दैट वन, इट विल इक्वल टू द 3 RT/m√। ये एक फार्मूला है, और ये जो फार्मूला है जो 3 RT/m है, ठीक है, इसको काइनेटिक गैस इक्वेशन के जरिए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के लिए है, इसको आप लोगों ने देखना है। अगर आपसे हो गया ठीक है, नहीं हुआ मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर दूंगी। क्वेश्चन क्या है देखें, हमने यहाँ तक काइनेटिक गैस इक्वेशन को प्रूव कर दी है, ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमने ये बात कर दी है कि यहाँ पे ये यह हमारे पास जो वेलोसिटी है ना, दैट इज वेलोसिटी इज द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। अगर आपको रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो, आर एम एस वो किसके इक्वल है जो आप लोग अब पढ़ते आए हो, दैट इज इक्वल टू 3 RT/m, और इसका हम लेते हैं अंडर रूट। अब ये जो बेसिकली फार्मूला है ना, ये डिड्यूस किया जा सकता है काइनेटिक गैस इक्वेशन से। कैन यू डू इट, क्या आप लोग कर सकते हैं इसको जो मैम जी, ये तो सिंपल है, समझ। एफएसओ की बुक पे दी है। अच्छा, यस मैम, इजी है बहुत। इसीलिए मैंने सोचा था कि आप लोगों से कहूंगी कि कैन यू डू इट, मतलब यू कैन डू इट इन शॉर्ट। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट? मैम जी, ये दिखने में लग रहा है कि हम पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो हम N1 लेंगे तो RT के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फिर डी क्या करें? मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके। MN ये होता है अच्छा। मैस, जरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मोलर मैस के इक्वल होता है, वैल्यू पुट करके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। वाह, चलें भाई, देखें इनको तो समझ आ गई है। किसको समझ नहीं आई वो बता सकता है, पूछ सकता है, ये अच्छी बात है। अगर उसको समझ आ गई है, इसका अच्छा पॉइंट है, उसने क्लिक कर लिया है। हाउ मेनी ऑफ यू डैट डोंट नो अबाउट इट, जिनको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है वो पूछ सकते हैं। मैम जी, एक पेज पे लिख के ग्रुप में सेंड कर देंगे, ये 3-4 लाइन की डेरिवेशन है। चलें ठीक है, इट्स गुड। भाई असल में ना ये बिल्कुल इजी है जो ये इन्होंने बताया है जुनेद ने, ये ठीक है। आप लोगों ने काइनेटिक गैस इक्वेशन है, और हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन भी होती है, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल है आर टी से, ओके, एन आर टी होता है, सॉरी। और अगर मैं अगर इसको 1 नंबर ऑफ मोल के लिए कंसिडर करूँ कि मेरे पास 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज है, तो एन मेरे पास हो जाएगा 1, तो पी वी किसके इक्वल आ जाएगा? एन आर टी, सॉरी आर टी के, ठीक है। अब देखें, आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे, इस इक्वेशन की दोनों लेफ्ट हैंड साइड पी वी और पी वी इक्वल है, सो हम कह सकते हैं ना कि आर टी इज इक्वल है किसके? आर टी इज इक्वल है 1/3 nm√n² ठीक है, इसके इक्वल है। सॉरी ये थोड़ा सा कुछ ठीक लिखा नहीं जा रहा, एनी हाउ समझ आपको आ ही जाएगा, ठीक है। आर टी इज इक्वल है 1/3 mn√v². अब इसको हमने फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। आप ये देखें कि ये हमारे पास जो 3 है,
ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 RT बन जाएगा, ठीक है, 3 RT। अब मसला यहाँ पे रह गया है किसका, एम एन का। एम एन क्या होता है हमारे पास, एम हमारे पास मैस है और जो एन है वो क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो मैस इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? जो हमारे पास यहाँ पे एम एन होता है हेलो ना जी, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, मोलर मैस के कह रहे हैं। अच्छा आप आंसर दे रहे हैं, मैंने कहा शायद कुछ पूछ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, मैस, स्मॉल मैस इनटू नंबर ऑफ मैल, तो ये हमारे पास मोलर मैस यानी कि कैपिटल एम के इक्वल है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ पे इधर जाएगा इक्वल के, तो ये 3 RT बन जाएगा, और जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये देयर इज द स्क्वेयर, सो यू हैव टेकन द अंडर रूट। आप इसका अंडर रूट ले लें, यहाँ से ये कट जाएगा। सो हमारे पास जो वेलोसिटी बचेगी वो क्या होगी, वो हमारे पास RMS होगी, दैट इज इक्वल टू 3 RT ओवर m, ठीक है। बड़ी सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है, सिंपल सी, ये FSC की बुक में भी होगी, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। ये एक अच्छी पॉइंट है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। सिंपल सी बात है कि जनरल गैस इक्वेशन को और काइनेटिक गैस इक्वेशन को आपस में इक्वल कर दिया है, उसको सिंपली रीअरेंज कर दिया है, और मैस, एम मैस इनटू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं मोलर मैस को, और सिर्फ हमने उनकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया है कैपिटल एम से, तो हमारे पास रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी आ चुकी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है, और वी यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही वजह है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम जो मोस्ट प्रेफरेबल वेलोसिटी यूज करते हैं ना, वो हमारे पास ये रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ही होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गई ये बात, आगे हमने जो क्या करना है वो हमने करना है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। इसको शुरू करने से पहले ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, आप लोगों ने डिफरेंट लॉज जो उनसे हैं वो असाइनमेंट में पढ़े हैं, आपको उनकी समझ भी आ गई। वन इज द बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ, उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ है हमारे पास, उसके अलावा डिफ्यूजन लॉ है। ये तमाम के तमाम जो लॉज हैं गैस के मुतालिक, ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए हैं। इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, दैट इज पी कांस्टेंट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इक्वल टू द कांस्टेंट। हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ हमें कह रहा है कि वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर की जो रेशियो है वो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है। एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या बताता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है फॉर द सर्टेन गैस, इक्वल नंबर ऑफ ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इसी तरह जो हमारे पास डिफ्यूजन लॉ है वो हमें क्या बताता है कि जो स्पीड और डिफ्यूजन है उनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। ये तमाम के तमाम जो बेसिक्स लॉ हैं वो हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन के जरिए ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात, अब वो कैसे कर सकते हैं ये आप लोगों ने इस चीज को देखना है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, FSC की बुक्स में अवेलेबल है। काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करें, सिंपल सी है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपने इसकी डेरिवेशन को ध्यान से देखना है, और इन जो काइनेटिक गैस इक्वेशन से फर्दर लॉ कैसे ड्राइव होते हैं ये आप लोगों ने देख के आना है, ओके। अब हम मूव करते हैं जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस इज दैट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन मूव रैपिडली एंड रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड विल चेंज देयर डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद वो ये भी कहता है द कोलियन और द इलास्टिक एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इज द रिजल्ट ऑफ द कोलियन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दिस लाइन इज द बेसिस ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन।
उसने क्या कहा, उसने कहा द प्रेशर ऑफ द गैस इज द रिजल्ट ऑफ द कुलियन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. हमारा क्वेश्चन है हाउ यू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस. सो दैट प्रेशर इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ द कुलियन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, के जो एक मॉलिक्यूल की, जो गैस के मॉलिक्यूल की वॉल के साथ, कंटेनर की वॉल के साथ कुलियन के नतीजे में जो प्रेशर है, दैट इज द प्रेशर दैट इज कैलकुलेटेड बाय द काइनेटिक गैस इक्वेशन. सो यू कैन राइट द काइनेटिक गैस इक्वेशन एज पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc square, where p is the pressure, v is the volume, small m is the mass, n is the total number of the molecule, and c square is the speed, or you can say the velocity of the molecule. Okay, now let's talk about the kinetic energy. What is the kinetic energy? The general formula of kinetic energy is equal to half mv square. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मूविंग एनर्जी होती है, और इसका जो फार्मूला है ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज द हाफ एम वी स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे मिस्टेकनली 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 2 ही है. ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर या हाफ एम सी स्क्वेयर, सी इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी. ओके, अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे काइनेटिक जो इंटरप्रिटेशन है एनर्जी की टेम्परेचर के साथ करनी है, वो हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी एम सी स्क्वेयर है. आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है किससे, 2 से. सिंपली हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वेयर, इसको आपने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है और 2 के साथ ही डिवाइड किया है. सिंपली देयर इज द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2. इसको करने के बाद हमने जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, क्या किया है, यहाँ पे ये जो 3 है इसको बाहर ले आए हैं, रीअरेंज किया, और ये 2 है इसको इसकी जगह लिख दिया. ठीक है, 1/2 और 2/3 को अरेंज किया. 1/2 एम एन सी स्क्वेयर, ठीक है, ये किसके पास, हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ना एन को कॉमन नहीं लेना, एन को आपने बाहर ही लिख देना है. 1/2 एम सी स्क्वेयर है, 1/2 एम सी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के. सो हम लोगों ने उसकी जगह क्या लिख दिया है, ई के, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. हमारे पास यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वेयर, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों किया है. मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ी सी रेंज रीअरेंजमेंट की है. इस इक्वेशन के अंदर से हमें एक चीज़ सेपरेट किया, डेट इज द हाफ एम सी स्क्वेयर, और 2/3 को सेपरेट कर दिया. 2/3 के साथ यहाँ पे और क्या सेपरेट हुआ है, यहाँ पे एन भी है. हाफ एम सी स्क्वेयर किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. उसको काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने इस टर्म की जगह काइनेटिक एनर्जी ई के लिख दिया है, और बाकी टर्म 2/3 एन एसएच वैसे ही रहे हैं. ओके, नाउ लेट यू सपोज यू आर यूजिंग द 1 मोल ऑफ गैस. 1 मोल ऑफ गैस का क्या मतलब है, द गैस कंटेन 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल ऑफ डेड गैस, दैट विल इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर. So you can say that n is the total number of the molecule. So n will replaced by the Na. Na क्या represent कर रहा है for the 1 mole of gas. और आपको पता है कि किसी भी 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं. हमारे पास यहाँ पे गैस की बात है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस. तो इस इक्वेशन को सिंपली यहाँ पे जो एन है इसको रिप्लेस कर दिया है एन ए से, एंड दिस इक्वेशन शो फॉर द 1 मोल ऑफ गैस. फर्दर इसको ट्रीट किया है किसके साथ, जनरल गैस इक्वेशन के साथ. जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. अगर मैं एन को 1 कंसिडर करूँ, डेट इज फॉर द 1 मोल ऑफ गैस, देन पी वी इज इक्वल टू आर टी के. नाउ देयर इज दिस वन इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू आर टी, जनरल गैस इक्वेशन, इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ. एंड हेयर इज द इक्वेशन डेट इज ड्राइव फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसको सपोज कर लें कि हम नाम दे देते हैं किसका, ए का.
यू हैव टू कंपेयर द इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू 2/3 एन ए इंटू ई के। इस इक्वेशन में आर क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर है। 2/3 कांस्टेंट है। एन ए क्या है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस, जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है। और ई के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट किया है, तो देखें 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2NA जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इधर जाके डिवाइड होगी। सो यू कैन सी दैट हियर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? 3RT ओवर 2NA। बट 3RT ओवर 2NA इज अ कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है? सो यू कैन से दैट के काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल सिर्फ रह जाएगी? टेम्परेचर के, दैट इज द टी, एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो अगर हम चेंज कर दें, इट विल इक्वल टू ई के इज इक्वल टू के टी, एंड व्हाट इज द टी? टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो हेयर वी कैन प्रूव दैट वन ऑफ द पॉस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर? बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर दैट वी आर यूजली टेकन इन द केल्विन। ओके, कैन यू टेल मी दैट वट इज द एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो, ओके मैम, सॉरी, मैम पूछ रही है। अब बता दें आप, चलें आप बता दें, अच्छी बात है, बताएं क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो? हेलो, जी मैम बताएं, जुनैद बताएं क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो? मैम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहाँ पे गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो कंसिडर किया जाता है, -16273 केल्विन। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इट इज अटेनेबल, नो मैम, व्हाई? मैम हम टेम्परेचर को इतना कम कर ही नहीं सकते। नहीं, वो तो चलो किसी तरीके से बंदा कर ही लेता है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है गैस के लिए कि उसका मैम वॉल्यूम जीरो? इससे पहले जो सारी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यस, तो वेरी गुड। जैसे ही टेम्परेचर लो जाता है ना, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। सो ये टेम्परेचर अनअटेनेबल है। इस टेम्परेचर के पहुंचने से पहले पहले ही तमाम गैसेस क्या होती हैं? वो हो जाती हैं लिक्विफाई। तो अगर गैस ही लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, तो फिर सारा जो मसला है वही खत्म हो जाता है, ठीक है? तो जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, ये हमारे पास हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, और इसकी ये जो अनअटेनेबल है। अच्छा, अब तक आपको पता है कि कितना, अब तक कितना हो लो टेम्परेचर रह चुका है? करंट अटेम्प्ट कितनी हो चुकी है टेम्परेचर की? कितना लो टेम्परेचर अब तक किया जा चुका है? इट इज द आई थिंक 10^-5 केल्विन और 10 केल्विन, कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो इतना अब तक है, अगर हम इससे मजीद लो टेम्परेचर पे जाते हैं, तो वहां पे गैस के मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट जीरो है, ये क्या है? ये वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे किसी भी गैस के तमाम मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या हो जाती है? सीज हो जाती है। सो इट इज अनअटेनेबल। एनी हाउ, सो दिस इज अबाउट, आज हमारा इतना ही लेक्चर था। यहाँ पे आज हमने क्या देखा है? हमने एक तो काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन देखी है। काइनेटिक गैस इक्वेशन की बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको आपने देखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ यू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एन आइडियल गैस, सो डोंट बी कंफ्यूज योर सेल्फ। अगर आपको प्रेशर के बारे में पूछा जाएगा, तब भी आप यही डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि जो पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² है, ये जो सी स्क्वेयर है इसको हम कहते हैं दैट इज इट इज रिलेट विद द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। व्हाई इट इज रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी? सो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग उसको भी ड्राइव कर सकते हैं। अभी हमने ड्राइव किया है, आप लोगों ने इसको दोबारा कोशिश करनी है,
अगर किसी को समझ नहीं आएगा हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमने टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन की है, और टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पास्टूलेट है दैट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, उसको प्रूव किया है। और जैसे हमने कल लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, वो भी देखा था कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटीज भी इंक्रीज होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और ये जो रिलेशन है इसको आज हमने प्रूव भी किया है। ठीक है, यहाँ तक ये बात होगी। इसके बाद जो एक बात है वो है डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट लॉज बाय यूजिंग द काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो काम है, जो लॉज है, जो इनको ड्राइव करना है, आप लोगों ने इसको करके देखना है, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। जो डिफरेंट लॉज हैं, बॉयल्स लॉज हैं, चार्ल्स लॉ है हमारे पास, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, हाउ वी ड्राइव दीज लॉज फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसको आप लोगों ने देखना है। ये आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है, क्योंकि ये आपके जो सिलेबस है ना, इसका पार्ट है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, बट यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ओके, अच्छा जी, आयशा लियाज कह रही है स्पीड और डिफ्यूजन का रिलेशन है, इनवर्स कैसे है? अच्छा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि मूवमेंट स्पीड और डिफ्यूजन का रिलेशन इनवर्स कैसे है? डिफ्यूजन क्या होती है भाई? डिफ्यूजन होती है ना किसी एक जगह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करना, तो जो डिफ्यूजन है इसका इनवर्स रिलेशन मास के साथ है। कोई गैस जितनी हैवियर होती है उसकी डिफ्यूजन उतनी ही कम होती है, उसकी स्पीड उतनी ही कम होती है, और कोई गैस जितनी ही ज्यादा लाइटर होती है उसकी डिफ्यूजन उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, एम वी और एम वी इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, नहीं, दैट इज नॉट जीरो, यू हैव टू एड द मोमेंटम, इसलिए वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जितने लॉज है आपने इसको देखना है और उसको ड्राइव भी करना है।